हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में आपको सिलाई मशीन के बारे में बताया जाएगा। सिलाई मशीन को बनाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था और साथ ही सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है और उनका क्या क्या नाम है यह भी बताया जाएगा। सिलाई मशीन को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, ऐसा बताया गया है और ऐसा किताबों में लिखा गया है और कहा भी जाता है कि सिलाई मशीन को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है इलियास होवे। वैसे तो सिलाई मशीन को बनाने के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और मशीन भी बनाई, पर मशीन कामयाब नहीं हो पाई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। आज के समय में नई नई मशीनें आ गई हैं, जैसे सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन में बॉबिन केस और एक निडल लगती है। यह एक बार में एक ही सिलाई लगाती है, इसलिए इसे सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन कहा जाता है। यह आमतौर पर सभी के घरों में होती है। नेक्स्ट है बटन अटैच मशीन। बटन अटैच मशीन से बटन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है ओवरलॉक मशीन या इंटरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन में लूपर का यूज होता है। यह एक बार में एक सिलाई भी लगाती है और एक से अधिक सिलाई भी लगाती है। इसमें एक बार में एक निडल का यूज भी कर सकते हैं और एक से अधिक निडल का यूज भी होता है। ओवरलॉक मशीन में नीडल के पास नीचे की साइड एक ब्लेड होता है जो कपड़े के किनारे के मार्जिन को कवर करके और सिलाई लगाकर चलता है। नेक्स्ट है पीको मशीन और नेक्स्ट है फ्लैट लॉक मशीन। फ्लैट लॉक मशीन में भी लूपर का यूज़ होता है। इसमें भी एक बार में एक निडिल और आप एक से अधिक निडिल का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मशीन ज़्यादातर होजरी के फैब्रिक पे यूज़ होती है। ज़्यादातर आपने होजरी के टी शर्ट जो होती है उन पे देखा होगा, गले पे सिलाई लगी हुई रहती है, आर्मोल पे और साइड सीम, तो ये वो सिलाई जो है फ्लैट लॉक मशीन से होती है। फ्लैट लॉक मशीन ओवरलॉक के मार्जिन को कवर करके सुंदर और फिनिशिंग की सिलाई लगाकर चलती है। इससे फिनिशिंग वाली सिलाई या डिजाइन वाली सिलाई भी कह सकते हैं। इस मशीन में जब 5 धागे एक साथ चलते हैं तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक डिजाइन की तरह धागा आता है, जिसे डिजाइन वाली सिलाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंसाई मशीन। इस मशीन में भी लूपर का यूज़ होता है और ये ज़्यादातर इलास्टिक पर यूज़ होती है। ये ज़्यादातर इलास्टिक पर चलती है और इलास्टिक पर दबाव बनाकर गैदर की सिलाई लगाती हुई आगे बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा जो लोअर होते हैं उनमें जो बेल्ट की तरफ इलास्टिक लगती है और उसमें जो दो दो या चार सिलाई एक साथ चलती है वो कंसाई मशीन की सिलाई होती है। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको इन मशीन की पिक्चर और इनसे किस तरीके की सिलाई होती है ये बताऊंगी। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।